आज का हमारा टॉपिक है रेस्पायरेशन। वाइटल साइंस के अंदर ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है रेस्पायरेशन। तो आज हम डील करेंगे कि रेस्पायरेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के रेस्पायरेशन होते हैं और किन किन प्रोसेस से हमारा रेस्पायरेशन कंप्लीट होता है, प्लस में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे रेस्पायरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके बारे में आज हम डील करेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं सबसे पहले कि रेस्पायरेशन होता क्या है। रेस्पायरेशन क्या है? रेस्पायरेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द लंग्स एंड टिश्यूज़। ये क्या है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है। कहाँ पे? हमारे लंग्स में और हमारे बॉडी टिश्यूज़ में। ये कैसे होता है? जैसे हमारा लंग्स है, जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, तो उस टाइम पे हमारा लंग्स क्या करता है? एयर को हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को तो हम मेनली इनहेल नहीं करते, उसके साथ और भी इम्प्योर जो एलिमेंट्स होते हैं वो आते हैं हमारे, लेकिन हमारा जो लंग्स होता है वो क्या करता है, लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई हैं वो ऑक्सीजन को ट्रैप करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे और वो कहाँ पे ट्रांसमिट करते हैं, ब्लड वेसल्स के थ्रू वो बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स जो हमारा लंग्स होता है ना, दोनों साइड जो हमारा लंग्स है वहाँ से जो ब्लड वेसल्स गुजरते हैं जो उसके आसपास से, वो बिल्कुल ही लंग्स के बिल्कुल ही मतलब जो उसका बेस है उससे सटे हुए, बिल्कुल उसमें डीपली वो उसमें पेनिट्रेट करते हुए वो वहाँ से सर्कुलेट होते हैं, गुजरते हैं। तो जो एल्वियोलाई है ना, वहाँ से वो जो ऑक्सीजन ट्रैप करके रखा होगा वो क्या करेगा, ब्लड में डाल देगा, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी से आ रहा होगा यानी कि बॉडी टिश्यूज से जो आ रहा होगा उसको वो क्या करेगा, एल्वियोलाई को दे देगा और एल्वियोलाई उसको बाहर एक्सहेल करा देगा एक्सपायरेशन के थ्रू। ठीक है, अब उसके बाद जब अगर हम टिश्यूज और ब्लड वेसल्स के बीच में देखें, ये तो हमारा लंग्स और ब्लड वेसल्स के बीच में हो गया, लेकिन एक और रेस्पायरेशन चलता है, जैसे ये जो लंग्स और ब्लड वेसल्स के बीच में जो हो रहा था इसको हम एक्सटर्नल रेस्पायरेशन बोलते हैं, और जो अभी हम बात करेंगे वो इंटरनल रेस्पायरेशन है। इंटरनल रेस्पायरेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन दी बॉडी टिश्यूज एंड ब्लड वेसल्स। इसमें क्या होता है, जो हमारे बॉडी के टिश्यूज हैं और जो वहाँ से ब्लड वेसल्स गुजर रहे हैं वो क्या करेंगे, ब्लड वेसल से टिश्यू को ऑक्सीजन देंगे, क्योंकि टिश्यू को सर्वाइव करने के लिए और अपना फंक्शन प्रॉपरली करने के लिए क्या चाहिए उनको, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ना, तो वो वहाँ से ऑक्सीजन लेंगे ब्लड वेसल से। एंड जो बॉडी टिश्यूज़ के बाद जो एलिमिनेट करने लायक जो गैसेज होंगे जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, वो उसको क्या करेंगे, वो ब्लड वेसल्स में डाल देंगे, यानी कि ब्लड वेसल्स उनको एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर वो ले करके कहाँ आएगा, लंग्स के पास आएगा, फिर लंग्स उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके बाहर की तरफ एक्सहेल कर देगा। तो ये पूरा प्रोसेस चलते रहता है। तो इस टाइप से क्या हो जाता है, हमारा रेस्पायरेशन यानी कि हमारा ब्रीदिंग कंप्लीट हो पाता है। तो इसमें दो फैक्टर्स हो गए, दो जगह पे ये रेस्पायरेशन होता है, एक तो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन जो लंग्स एंड ब्लड वेसल्स के बीच में होता है, और टिश्यूज एंड ब्लड वेसल्स के बीच में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पायरेशन। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं हमारा रेस्पायरेशन दो प्रोसेस से कंप्लीट होता है, एक उसमें आ जाता है इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, यानी कि जब हम गैसेस को इंस्पायर करते हैं अपने नेजल रूट के थ्रू या ओरल रूट के थ्रू, जब हमारे ट्रैकिया से होते हुए जब एयर हमारे लंग्स में जाता है, एल्वियोलाई तक जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन, यानी कि हम एयर को इंस्पायर कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, लेकिन जब वो हमारे ब्लड वेसल से लंग्स के थ्रू वो जब बाहर निकलता है जो गैसेस, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन, यानी कि वो हमारे बॉडी से एक्सहेल हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोसेस, जैसा कि मैंने बताया एक्सटर्नल रेस्पायरेशन एंड इंटरनल रेस्पायरेशन। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में क्या है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड लंग्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल और पल्मोनरी रेस्पायरेशन। इसको हम पल्मोनरी रेस्पायरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं उनको हम पल्मोनरी के नेम से भी जानते हैं, इसलिए उसको पल्मोनरी रेस्पायरेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंटरनल रेस्पायरेशन। इंटरनल रेस्पायरेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स या टिश्यूज इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पायरेशन, यानी कि जो हमारे बॉडी सेल्स हैं या टिश्यूज हैं उनके और ब्लड के बीच में जो गैसेज का एक्सचेंज होता है, जो आदान प्रदान होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पायरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। हमारे बॉडी में कैसे हमारा मतलब हमारे बॉडी में कैसे पूरा जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है
वो रेगुलेट होता है एंड कैसे उसको हम कंट्रोल करते हैं या हमारा ब्रेन कैसे उस पर एक्ट करता है, कंट्रोल करता है, उसके बारे में हम इसमें डील करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर हमारे ब्रेन के अंदर जो रेस्पिरेटरी सेंटर है जिसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा, जैसे हमारे यहाँ पे जो ब्रेन स्टेम होता है वहाँ पे जो मिड ब्रेन के पास मेडुला ऑब्लोंगाटा, पोन्स, ये प्रेजेंट होते हैं, ये ऐसा साइट होता है जहाँ पे क्या होता है रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, वहाँ से ही हमारा ब्रेन क्या करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा और पोन्स के थ्रू क्या करता है हमारे रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है यानी हमारी जो ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है उसको वो कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कह रहा है रेस्पिरेटरी सेंटर्स इन द मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड पोन्स ऑफ द ब्रेन एंड कीमोरिसेप्टर्स लोकेटेड सेंट्रली इन द मेडुला एंड पेरिफेरली इन द कैरोटिड एंड ऑर्टिक बॉडीज हेल्प्स इन द कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे अभी तो सेंट्रली हम जान लिए जो कीमोरिसेप्टर्स होते हैं यानी कि जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा है, यानी कि अगर हम ये मान लें कि ये हमारा ब्रेन स्टेम्स है, ठीक है, ये ब्रेन स्टेम्स है तो यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगाटा है। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा के ऊपर जो कीमो रिसेप्टर्स होंगे यानी कि जो केमिकल्स को रिसेप्ट करते हों यानी कि रिसीव करते हों, इनके पास अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स आए थे इन्फॉर्मेशन लेकर के कि देखो भैया हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो रही है तो आपको हम हिंट दे रहे हैं कि आप क्या करो ब्रीदिंग को फास्ट करो, उससे क्या होगा हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं कीमो रिसेप्टर्स, यानी कि यहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे जो वो इन्फॉर्मेशन लेकर के आएंगे न्यूरॉन्स, उसको वो रिसेप्ट करेंगे और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग वो उन्हीं के सहारे इन्फॉर्मेशन को भेजेंगे ताकि ब्रीदिंग हमारा फास्ट हो सके। ठीक है, वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्ट करते हैं, पूरा ये नर्व्स इम्पल्स के थ्रू ये सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, वहीं पे मेडुला ऑब्लोंगाटा और पोन्स जो है ना ये रेस्पिरेटरी सेंटर हो गए। ठीक है, इसके सेंटर में कीमोरिसेप्टर्स हो गए। ठीक है, लेकिन इसके पेरीफेरी में यानी कि इसके इर्द गिर्द जो चारों तरफ जो ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं जैसे ऑर्टिक ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरीज वगैरह जो पाई जाती हैं वो भी एक रिसेप्टर्स की तरह एक स्टिमुलेटर की तरह काम करते हैं। उनके अंदर जैसे आर्टरियल ब्लड है, अगर आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन उसमें प्योर ब्लड कैरी करता है आर्टरीज, ये हम जानते हैं। अगर आर्टरीज के अंदर इम्प्योरिटी मतलब गैस ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाए तो आर्टरीज क्या करेगा, इनको स्टिमुलेट करेगा, इनको इन्फॉर्म करेगा कि हमारे अंदर हमारे मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, आप ब्रीदिंग को फास्ट कर दो जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाए और वो नॉर्मल प्रोसेस में आ जाए। ठीक है, तो ये क्या करेंगे फिर से उसको स्टिमुलेट करेंगे लंग्स को, रेस्पिरेशन को फास्ट करेंगे जिससे कि ब्रीदिंग हमारा फास्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन का इनहेल और बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कह रहा है दीज रिसेप्टर्स एंड सेंटर्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इन द आर्टेरियल ब्लड। जैसा कि मैंने बताया ये क्या करते हैं, जो भी रिसेप्टर सेंटर्स हैं यानी कि जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही हमारे ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन का जो लेवल है उसमें अगर फ्लक्चुएशन आता है या उसमें इम्प्योरिटी जाती है तो वो तुरंत इन्फॉर्म करते हैं किसको, रेस्पिरेशन सेंटर को, और वहाँ से वो क्या करते हैं फिर इन्फॉर्मेशन भेजते हैं और ब्रीदिंग हमारा फास्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस रेगुलेट करता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, और वो कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसमें रेगुलेशन के अंदर एक और बात करें तो जैसे नॉर्मल हम देख लें कि हमारे हमारे बॉडी के अंदर एयर कैसे रेगुलेट करता है, एयर की बात करें तो जैसे हम एयर इनहेल किए, मान लो हम एयर इंस्पायर किए, इनहेल किए और वो इनहेल किए तो कैसे जाएगा, नेजल रूट के थ्रू होते हुए नेजोफेरिंग्स से होते हुए वो ट्रैकिया के थ्रू, ट्रैकिया में डिस्पर्स होते हुए मतलब वहाँ से पूरा फैलते हुए वो कहाँ जाएगा, ब्रोंकियोल्स तक जाएगा, ब्रोंकाई तक जाएगा और फिर ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स से होते हुए वो लंग्स के अंदर जाएगा और लंग्स के अंदर जाने के बाद वो कहाँ जाएगा, एल्वियोलाई तक जाएगा और एल्वियोलाई से फिर ब्लड में जाएगा वो ऑक्सीजन और ब्लड से फिर ट्रैवल करके कहाँ जाएगा, बॉडी टिश्यूज या बॉडी सेल्स तक जाएगा। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है, फिर वहाँ से बॉडी सेल्स से और बॉडी टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ब्लड वेसल्स आएगा, फिर एल्वियोलाई को देगा, एल्वियोलाई से लंग्स में मतलब लंग्स में से ब्रोंकियोल्स के पास जाएगा और फिर वैसे ही उसी प्रोसेस में वो क्या होगा, बॉडी से एक्सहेल हो जाएगा। ठीक है,
तो हमने अभी बात कर लिया कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब इसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन। आखिर रेस्पिरेशन की नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसको हम कैसे जानेंगे कि ये रेस्पिरेशन नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन में क्या होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग इज एफर्टलेस। हमारा हम बिना एफर्ट लगाए जब कभी भी हम सांस लेते हैं, जैसे नॉर्मली अभी हम ब्रीदिंग कर रहे हैं ना, तो वो एफर्टलेस है, यानी कि हम उसमें एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, हम उसमें अपना एनर्जी यूज मतलब हम अपने बॉडी का एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इट इज पेनलेस क्वाइट एंड ऑटोमेटिक। ये क्या होता है, जो हमारा रेस्पिरेशन होता है ये पेनलेस होता है। अगर नॉर्मल ब्रीदिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात करें तो वो पेनलेस होता है, उसमें कोई भी पेन नहीं होता है हमें। अगर हमें पेन हो रहा है या हमें एफर्ट लगाना पड़ रहा है सांस लेने में, तो वो नॉर्मल रेस्पिरेशन नहीं है, ठीक है। उस टाइम पे हम जैसे हम लोगों को कभी कोल्ड एंड कफ हो जाता है या रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, उस टाइम पे हमें एफर्ट लगाना पड़ता है ना, हमें पेन भी होता है ना, कंजेशन होता है, तो इसलिए उसको हम नॉर्मल नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये क्वाइट होता है, यानी कि शांत होता है, इसमें किसी भी तरह की नॉइज़ नहीं होगी, और ये ऑटोमेटिक होता है, हमें इसके लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। नेक्स्ट कहता है नॉर्मल रेस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ रिदमिकल राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ चेस्ट वॉल। इसमें क्या होता है, रिदमिक यानी कि रिदम में, एक इंटरवल में, कंटिन्यूस इंटरवल में, यानी कि जब यहाँ पे चेस्ट एक बार चेस्ट वॉल हमारा इन्फ्लेट होगा, यानी कि जो हमारा लंग्स इन्फ्लेट होगा उसमें ऑक्सीजन जब एयर भरेगा तो हमारा चेस्ट वॉल क्या होगा, अपवर्ड आएगा। फिर जब उसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा, मतलब जब हम एक्सहेल कर देंगे, तो हमारा चेस्ट वॉल डाउनवर्ड आ जाएगा, यानी कि हमारा चेस्ट वॉल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होते रहता है। तो वो कैसे होता है, वो नॉर्मली होता है और रिदमिक होता है, यानी कि एक रिदम में, कंटिन्यूअस रिदम में होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमारा चेस्ट वॉल बढ़ गया तो फिर उसके कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम इंटरवल के बाद, अभी जैसे एक सेकंड में अभी हमारा जैसे बैकवर्ड की तरफ आया, फिर देख रहे हैं कि 5 सेकंड में हो रहा है, फिर 10 सेकंड में हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक कंटिन्यूअस इंटरवल में होना चाहिए, रिदम मेंटेन होना चाहिए, यानी कि कंटिन्यूटी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कहता है रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट्स इन रेस्ट 16-20 ब्रीदिंग पर मिनट, यानी कि जो नॉर्मल एडल्ट्स में हम रेस्पिरेटरी रेट की बात करें तो वो कितना होता है, 16-20 ब्रीद पर मिनट, यानी कि मिनिमम एक एडल्ट 16-20 ब्रीद लेता है एक मिनट के अंदर, ठीक है। एडल्ट की बात करें तो वो वैरी करता है एज टू एज, यानी कि कंडीशन टू कंडीशन वो वैरी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, यूपनिया इट इज़ रेगुलर इवन एंड प्रोड्यूस नो नॉइज। यूपनिया कंडीशन को क्या बोलते हैं, ये इवन कंडीशन होता है, यानी कि बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होता है, जिसमें किसी भी तरह का हमारे लंग्स एबनॉर्मल एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म कर रहा होता है, और ये क्या होता है, प्रोड्यूस नो नॉइज, इसमें किसी भी तरह की नॉइज नहीं होती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूपनिया बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं नॉर्मल रेट्स ऑफ रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन के नॉर्मल रेट्स एज के अकॉर्डिंग कैसे वैरी करती है, ठीक है। अगर बच्चों की बात करें तो जब एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि जब न्यू बॉर्न बेबी जन्म लेता है, तो उसके अंदर 30 to 40 ब्रीथ्स पर मिनट हमें कंसिडर करते हैं, हमें ऐसा असेसमेंट करने पर पता चलता है कि उनका रेस्पिरेशन 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट होता है। आफ्टर 1 ईयर, यानी कि जब वो 1 साल के हो जाते हैं, तो उस टाइम पे उनका ब्रीदिंग 26 to 30 ब्रीथ पर मिनट उनका रेस्पिरेशन रेट हो जाता है। 2 to 5 ईयर्स में 20 to 26 हो जाता है, एंड वैसे ही एडोलेसेंट स्टेज में क्या हो जाता है, 16 to 20 हो जाता है, एडल्ट स्टेज में 16 to 20 हो जाता है ब्रीथ पर मिनट, ओल्ड एज में क्या हो जाता है, 10 to 24 ब्रीथ पर मिनट हो जाता है। तो ये एज के अकॉर्डिंग वेरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेस्पिरेशन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे रेस्पिरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा है सेक्स। सेक्स में हम जैसे देखते हैं मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल में हम देखते हैं कि मेल की तुलना में फीमेल्स में रेस्पिरेशन का जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर हार्मोनल चेंजेज होते रहते हैं बॉडी में, तो इसलिए उनके अंदर रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एक्सरसाइज,
जब हम एक्सरसाइज करते हैं या किसी भी तरह का हम एफर्ट लगाते हैं बॉडी से, किसी भी तरह का हम मेहनत करते हैं, एक्सर्शन करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है और हमारा ब्रीदिंग बढ़ जाता है। क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो बॉडी के अंदर जो टिश्यूज के अंदर जो ऑक्सीजन रिजर्व्ड हैं वो क्या होते हैं, बर्नआउट होने लगते हैं और यूज होने लगते हैं। तो उस टाइम पे हमारे बॉडी को और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या करता है, ब्रीदिंग को फास्ट कर देता है। वो ब्रीदिंग को कैसे फास्ट करता है, जैसे मैंने अभी बताया कि वो वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन भेजेगा कहाँ पे, रिसेप्टर्स के पास, यानी कि जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है और बोन्स है वहाँ पे वो क्या करेगा, रिस्पायरेटरी सेंटर्स के पास इन्फॉर्मेशन भेजेगा और वो क्या करेगा, ब्रीदिंग को फास्ट कर देगा। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ऑक्सीजन की जो आपूर्ति हो रही थी वो पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, रेस्ट एंड स्लीप। जब हम रेस्ट के कंडीशन में रहते हैं या जब हम सोते रहते हैं तो उस टाइम पे हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बॉडी का लो हो जाता है, मतलब नॉर्मल हो जाता है, और उस टाइम पे क्या होता है, हमारा ब्रीदिंग भी, हमारा रेस्पिरेशन भी नॉर्मल या डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता है, एटलीस्ट बॉडी रेस्ट में रहता है तो हमारा रेस्पिरेशन नॉर्मल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा इमोशंस। अगर हम इमोशनली स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं या हमारे माइंड में किसी भी तरह का स्ट्रेस चल रहा होता है या किसी भी तरह के डिप्रेशन में हम हैं, तो उस टाइम पे हमारा रेस्पिरेशन फास्ट हो जाता है। वैसा क्यों होता है, क्योंकि सडन स्ट्रेसफुल कंडीशन सच एज फियर एंड एंजाइटी इन्फ्लुएंसेस द रेस्पिरेटरी रेट। अगर अचानक से हम कहीं जा रहे हैं, अगर हमारे पीछे कुत्ता पड़ जाए, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी का जो इमोशनल कंडीशन है उस टाइम पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे हमें क्या होगा, फियर होगा, एंजाइटी होगा, हमें डर लगेगा कि हमारे पीछे कुत्ता पड़ गया है, तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पे भागेंगे वहाँ से। तो जब भागेंगे यानी कि हमारा बॉडी एक मेहनत करेगा भागने के लिए, तो उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस टाइम पे हमारा ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है चेंजेज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि जब हमारे आसपास के एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजेज आ जाएंगे, अगर मान लेते हैं कि जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लें, और दिल्ली का एग्जांपल ले लें, दिल्ली में क्या है, वहाँ का जो एयर है वो ज़्यादा पॉल्यूटेड है, इसलिए वहाँ का जो एयर की क्वालिटीज़ है वो उतनी बेहतर नहीं है जैसा कि हमारे यहाँ की क्वालिटीज़ है। ठीक है, गाँवों में जा कर के देखिए वहाँ की एयर की क्वालिटीज़ अच्छी होती है, क्या, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, तो उससे कैसे हमारे रेस्पिरेशन पे असर पड़ेगा, सॉरी, उस टाइम पे क्या होगा कि जब एयर ही पॉल्यूटेड होगा, एयर ही कॉन्टेमिनेटेड होगा, एयर ही गंदा होगा, तो हमारे रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम्स आएगी, यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे और वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे हमारे ब्रीदिंग पैटर्न को। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक चेंजेज होंगे तो उसके कारण भी हमारे रेस्पिरेशन में चेंजेज आएंगे। ठीक है, और एग्जांपल के तौर पे ले लें, अगर हाई एल्टीट्यूड्स पे हम जाते हैं यानी कि ऊंचे जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है एयर में, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा ब्रीदिंग, हमारा मतलब बॉडी जो होता है और एफर्ट लगाने लगता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी में जाए, क्योंकि एक तो वहाँ पे कंसंट्रेशन कम है एयर का और एफर्ट लगा रहा है बॉडी और ज़्यादा, तो इसलिए एल्टीट्यूड्स के कारण भी हमारे रेस्पिरेशन में चेंजेज आते हैं और एल्टीट्यूड्स हमारे रेस्पिरेशन को अफेक्ट करता है। और देख ले एग्जांपल के तौर पे, तो जैसे मेडिकेशंस, बहुत सारे ऐसे मेडिकेशंस हैं जो हमारे रेस्पिरेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे सेडेटिव्स हो गए हैं या स्टेरॉइड्स हो गए हैं, ये सब हमारे रेस्पिरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या डील किया, रेस्पिरेशन के बारे में डील किया, रेस्पिरेशन की इंट्रोडक्शन क्या थी, रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं और वो कौन कौन से प्रोसेस से होकर के रेस्पिरेशन को, उसके बारे में हम लोगों ने डील किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने बात की हमारे बॉडी में कैसे रेस्पिरेशन रेगुलेट करता है या हमारा ब्रेन उसको कैसे कंट्रोल करता है, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। उसके बाद हम लोगों ने बात किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के लिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या डील किया कि एज के अकॉर्डिंग कब कब हमारा रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया एट बर्थ से लेकर के ओल्ड एज पीपल तक। नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने बात किया फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेस्पिरेशन, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे रेस्पिरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो आज हमने इन सब के बारे में डील किया। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करें और क्या कर सकते हैं, वहाँ से और भी इन्फॉर्मेशन आप गेन कर सकते हैं। थैंक यू।